नमस्कार आदाब मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 2 में। मैं निखिल गोयल एक बार फिर से आज आप सभी के लिए सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इरिगेशन इंजीनियरिंग लेकर आया हूं। उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा और पसंद भी आया होगा। तो इसी तरह के लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पर मुझसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए और जो मैं कंटेंट दे रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आता है। ठीक है, तो अगर ये भी पढ़ जाओगे ना तो बहुत कुछ आप लोगों को फ्री में मिलेगा और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। यहां सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया दिस इज माय कोड। आप अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में एक एक चीज को तैयार करना चाहते हैं, तो एनजी लाइव मेरा कोड है। इस कोड को अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। ठीक है, प्लस आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, आपका कोई फ्रेंड है जो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहता है तो वो भी इस कोड को यूज कर सकता है, एनजी लाइव कोड को। उनको भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है जब वो ये कोड अप्लाई करते हैं। अनअकैडमी पर 32+ एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, तो ये बात ध्यान रखना भैया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, टॉप एडुकेटर से पढ़ना है तो अनअकैडमी पर जुड़िए, इस कोड को अप्लाई करवा दो, 10% का डिस्काउंट उनको भी अवेल होगा। साथ के साथ मैं बता दूं कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते टाइम एक्चुअली में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को इस तरह का एक स्क्रीन मिलता है। ठीक है, इस तरह के स्क्रीन में क्या होता है, यहां जब आप पेमेंट करोगे ना तो यहां एक ऑप्शन आता है रेफरल कोड का। यहां आपको इस तरीके से एनजी लाइव लिखना है, जैसी एनजी लाइव लिखोगे 10% का डिस्काउंट होगा और ये कॉस्ट घट के इतनी और इतनी हो जाएगी। एक साल की कॉस्ट 5400 रुपये है, फुल पैकेज, सब कुछ मिलता है इसमें आपको, टेक्निकल नॉन टेक्निकल लाइव लेक्चर डाउट सेशन फ्री टेस्ट सीरीज सब कुछ। और 2 साल की तो और भी सस्ती है, 6500। सर मंथली इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होता है, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 2 को इतना तरीके से पढ़िएगा और जैसा पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा। कंटेंट इन इज द मेन थिंग, जो भी दे रहा हूं ना उसको नोट करते रहना, बड़ी प्यारी चीज है। पहली बार फ्री में ला रहा हूं, वरना इस तरह का कंटेंट हम पेड़ में ही रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्लड इरिगेशन इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए लेवल और जेंटल स्लोप फील्ड, लेवल एंड जेंटल स्लोप फील्ड। दूसरा बी आपको कहता है स्लोपी फील्ड। सी आपको यहां पर कहता है बोथ ए एंड बी, एंड डी आपको कहता है ना। अब क्वेश्चन 2 में आप लोगों को बोला गया द मेथड द मेथड इन विच ग्रोइंग क्रॉप्स इज ऑन रिजेस, ग्रोइंग crops is on ridges, running on the sides of the water is called, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है यहां से कि बाकी लंबा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। ये फिलहाल 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्लड इरिगेशन किस पे बेस्ड है। देखिए हमको पता है कि वी हैव 2 टाइप ऑफ द ग्राउंड्स, वन इज द स्लोपी ग्राउंड एंड द अदर वन इज द लेवल ग्राउंड। बात को समझिए, फ्लड इरिगेशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इट इज द टाइप ऑफ द पेरिनियल इरिगेशन, इट इज द टाइप ऑफ पेरिनियल इरिगेशन। एंड पेरिनियल इरिगेशन के टाइम पे यू कैन से दैट कि इट इज हैविंग अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज, इट इज हैविंग अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज। ऑब्वियसली इसका डिस्चार्ज अनकंट्रोल्ड रहेगा क्योंकि फ्लड का कोई डिस्चार्ज का कंट्रोल थोड़ी होता है मेरे पास, इट इज अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज। आई कैन से दैट अगर ग्राउंड बहुत स्लोप है एंड अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज की है, देन द वेलोसिटी विल बी गोइंग टू हाई, मच हाई, तो शायद इरिगेट नहीं करेगा, क्रॉप्स को साथ बहा कर ले जाएगा। इसलिए आई कैन से दैट कि हम लोग इसको लेवल ग्राउंड या जेंटल स्लोप ग्राउंड के लिए ही यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
कंसेप्ट को समझ कर चलिएगा कि वहां पर हम क्यों इस चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा मेरे को कहता है यहां पर कि ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन साइड ऑफ द रिजेस, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन साइड ऑफ द रिजेस रनिंग ऑन साइड ऑफ द वॉटर। कहने का मतलब है जैसे ये फील्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिज बना देते हैं, और रिज में क्या होता है पानी जाता है, रिज में क्या होता है पानी जाता है, और क्रॉप्स इनके दोनों साइड उगाते हैं, क्रॉप्स इनके दोनों साइड उगाते हैं एंड द वॉटर जस्ट सीप्स इन टू द फील्ड। तो इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे थे, कैन एनीबडी टेल मी इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे थे, मुझे बताएगा इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे थे। हाँ, इस मेथड को हम लोग फरो इरिगेशन का नाम दे रहे थे। सो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोगों को याद रखना है, और इस सेशन के बाद मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इस सेशन के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा, थोड़ा अपडेट रखना। नोट्स कहाँ मिलेंगे गौरव कुमार, मैं समझा नहीं। वैसे तो जो लेक्चर में मैं लिखता हूँ उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इट विल बी द नोट्स, ठीक है, अलग से कोई नोट्स नहीं है, यही सारा नोट्स है सर। बुक, हाँ बुक के लिए आप आए नहीं 1 बजे धीरेन्द्र, 1 बजे आप आए नहीं, मैंने SSC के लिए स्पेशल सीरीज लॉन्च करी है, आपको मैंने उसमें अनाउंस करा था कि मैं आपको बुक दे देता हूँ, हल्की फुल्की गलतियां होंगी वो आप मैनेज कर लेना अपने आप से, हल्की फुल्की पाएंगी, ज्यादा नहीं पाएंगी, सो हल्की फुल्की गलतियां मैनेज कर लेना, बाकी हो जाएगा काम। तो मैं आपको मेल पे भेज देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मेल कर दो सारे, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ से, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नीड टू स्टार्ट आवर यूनिट टू, दैट इज द सॉइल वॉटर रिलेशनशिप, सॉइल वॉटर रिलेशनशिप एंड प्लांट रिलेशनशिप, सॉइल वॉटर रिलेशनशिप विद प्लांट्स, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है यहां से, हमको पता है यहां पर कि भैया सॉइल की जितनी ज्यादा ताकत होगी पानी को होल्ड करने की, वो उतनी बेस्ट इरिगेशन प्रॉपर्टी को शो करेगा, जाहिर सी बात है ना। आई कैन से दैट कि वॉटर रिटेन्ड इन द सॉइल इज द मेजर कंसर्न, वॉटर रिटेन्ड इन द सॉइल इज मेजर कंसर्न फॉर द इरिगेशन, मेजर कंसर्न ऑफ इरिगेशन। तो अभी अपने को पता है यहां पर कि भैया हमारी मिट्टी में जो पानी रुक जाता है या फिर मिट्टी की वो ताकत जो पानी को रोक लेती है, वो ही एक्चुअली में इरिगेशन के काम आती है। जो मिट्टी पानी को साक्षात बहने देती है, अपने अंदर पानी को सोखती नहीं है, वो मिट्टी कभी इरिगेशन के लिए काम में नहीं आती, ऑब्वियसली नहीं आती। सो आई कैन से दैट कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप विद प्लांट्स, व्हाट डज इट टेल्स अस टू, वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल इज द मेजर कंसर्न ऑफ इरिगेशन, ये हमको पता लग चुका है। आई कैन से दैट कि जितना सॉइल का पोरोसिटी होगा, मेरे शब्दों पर गौर देना, जितना सॉइल का पोरोसिटी होगा उतनी ज्यादा सॉइल वाटर को अटेन कर पाएगी, या फिर जितना सॉइल का पोरोसिटी कम होगा उतनी ज्यादा सॉइल वाटर को रिटेन कर पाएगी, या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो सॉइल की पोरोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। ये क्वेश्चन दिमाग में हमारे आता है, मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि हम जो इरिगेशन करते हैं वो सारा पानी से ही खेल चल रहा है, और पानी का मिट्टी के साथ जो रिलेशन है उसका खेल है इरिगेशन। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि आप लोगों का जो कि ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स को अगर मैं देखना चाहूं तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वॉटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करता है कि अगर कोई मिट्टी पानी को रोक रही है तो वो काम में आ सकती है, अगर वो मिट्टी पानी को नहीं रोक रही तो वो पानी बह जाएगा और वो मिट्टी का टोटल कोई काम नहीं हो पाएगा, समझ में आ चुका है। दूसरा मैं यहां पर कह सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर टू द प्लांट रूट्स कितना पानी प्लांट रूट्स पे अवेलेबल हो रहा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा मैं यहां पर एक और चीज लिख सकता हूं कि रेट एट विच द वॉटर एंटर्स इन टू द सॉइल, रेट एट विच वॉटर एंटर्स इन टू द सॉइल, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है। अब मेरी यहां से बात आती है मेरे प्यारे बंधु कि हम लोगों को ये तो समझ में आ चुका है
कि आपका जो ये सॉइल वाटर है ये टोटली इरिगेशन से रिलेट है और आपके इरिगेशन की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तो सर ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं सॉइल वाटर रिलेशनशिप से जुड़ रही है, इसीलिए सॉइल वाटर रिलेशनशिप को पढ़ना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है मेरे पास जिसको मैं जानता हूं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के नाम से। मैं कह सकता हूं व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। आई विल से दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एक सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है, अमाउंट ऑफ द वाटर होल्ड बाय द सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय द सॉइल, होल्ड बाय सॉइल, ये चीज मैं कह सकता हूं। एंड आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द साइज, इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नंबर ऑफ द पोर्स इन द सॉइल। जितना साइज और ये नंबर दोनों पे डिपेंड करता है पोर्स इन द सॉइल इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मैं एक और चीज यहां पर लिख सकता हूं, द फैक्टर विच डिनोट्स टू मी द साइज एंड द नंबर ऑफ पोर्स इन द सॉइल इज नोन टू बी एज द पोरोसिटी। एंड एवरीबडी नोज दैट कि पोरोसिटी क्या होता है, ये मैं आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाने वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो पोरोसिटी के पास डिपेंड कर रही है। शब्दों पर गौर देना, अभी बच्चों के दिमाग में एक चीज अपने आप आ जाती है बिना बताए कि अगर ये पोरोसिटी पर डिपेंड कर रही है तो पोरोसिटी बढ़ेगी तो वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम मुझे याद नहीं है, यूथ की किताब में देखा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से डिपेंड करती है। देखिए अगर मैं पोर्स की बात करता हूं तो पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पोर्स आपके दो तरीके के होते हैं। पहला आप लोगों का होता है कैपिलरी पोर्स, पहला आपका होता है कैपिलरी पोर्स, दूसरा आप लोगों का होता है नॉन कैपिलरी पोर्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट, और आप लोगों को पता है कि कैपिलैरिटी क्या होती है। एक मिनट मैं रिफ्रेश करूंगा, एक मिनट का पेशेंस करिएगा। आप सभी को पता है लेडीज एंड जेंटलमैन की कैपिलैरिटी क्या होती है, सबको पता है। और आपको यह चीज भी पता है कि कैपिलैरिटी इज टोटली टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टेंशन, यह भी पता है। ये चीज भी सॉइल मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जितना फाइन सॉइल होगा उतनी कैपिलैरिटी बनने के चांस होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा, ठीक है। तो आई कैन से दैट कि अभी तुम लोगों को इस नाम से ही समझ में आ चुका है, वो पोर्स जिसके अंदर कैपिलैरिटी शो होती है उनको बोला जाता है कैपिलरी पोर्स, और वो पोर्स जिनके अंदर कैपिलरी एक्शन नहीं दिखता उनको बोला जाता है नॉन कैपिलरी पोर्स। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कैपिलरी पोर्स क्या होता है। पहली ही चीज मैं कहूंगा कि इट इज स्मॉल इन द साइज, इट इज स्मॉल इन द साइज सो दैट इट कैन शो, इट कैन शो कैपिलैरिटी, कैन शो कैपिलैरिटी। ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि ये स्मॉल रहते हैं साइज के अंदर ताकि ये कैपिलैरिटी शो कर सके, और ये क्या है, दैट इज लार्ज इन द साइज एंड डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ द कैपिलैरिटी। यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि इट कैन होल्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। अभी कैपिलैरिटी का मतलब क्या है, वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी को होल्ड कर सकता है, इट कैन होल्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, इट कैन होल्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, शब्दों पर गौर देना अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा डज नॉट होल्ड, ये कोई पानी वानी को होल्ड नहीं करता है ना। तो आई कैन से दैट कि अभी प्रोडक्शन में कौन काम आ रहा है, प्रोडक्शन के टाइम पर कौन काम आ रहा है, ये चीज जल्दी बताएंगे प्यारे दोस्तों। प्रोडक्शन में कौन ज्यादा काम आ रहा है, ऑब्वियसली आई कैन से दैट ना, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है। इसकी प्रोडक्शन कैसी है, इसकी प्रोडक्शन या फिर यील्ड कुछ भी कह सकते हो वो ज्यादा है, इसकी प्रोडक्शन कम है, इसकी प्रोडक्शन कम है। चौथा पॉइंट मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये किस टाइप की सॉइल में आपको देखने को मिलेगा, जनरली जनरली क्लेई और सिल्टी सॉइल में देखने को मिलेगा, ये वाला आप लोगों को सैंडी सॉइल में देखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज और आती है, बच्चे सोच रहे हैं कि ये 100% सही है, ये 100% गलत है, नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट ऐसा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण तख्ता पलट जाता है। वो पॉइंट क्या बनता है आप लोगों का, मैं कहूंगा कि कैपिलरी पोर्स के अंदर ड्रेनेज जो है वो वेरी पुअर है, ड्रेनेज वेरी पुअर, क्यों, अरे जगह ही नहीं है पानी को बहने की। साथ के साथ आई विल यूज अनदर वर्ड दैट इज ऑल्सो नोन टू बी एज द आयरेशन वेरी पुअर, एवरीबडी नोज व्हाट इज आयरेशन, सर सबको पता है देयर शुड बी द पैसेज ऑफ द वेंटिलेशन इन द सॉइल ऑल्सो ताकि आप लोगों की
चीजें चलती रहे और सॉइल में किसी तरह की कोई कमी ना हो। अगर वेंटिलेशन सॉइल में नहीं है तो देयर कैन बी द अटैक ऑफ द वेरियस इंसेक्ट्स ऑन द सॉइल सो दैट इट्स फर्टिलिटी विल बी गोइंग टू डिक्रीज एट अ कल्मिनेटिंग एक्सटेंट। गॉट इट? तो मैंने कहा कि इस कैपिलरी मिट्टी के अंदर एरेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल कम है क्योंकि पोर्स बहुत छोटे हैं तो निकल ही नहीं पाती हवा। मैं कहना चाहता हूं इट इज हैविंग द गुड ड्रेनेज एज वेल एज गुड ड्रेनेज एंड एरेशन। एरेशन एंड ड्रेनेज इसके अंदर बहुत बढ़िया चलता है। कैसा चलता है? गुड चलता है। जिसके कारण मैं ये बात कह सकता हूं, अभी तुमको ये चीज तो समझ आ चुका है कि यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन तुम्हें कैपिलरी के साथ साथ नॉन कैपिलरी की जरूरत भी पड़ती है। जैसा मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम बिल्कुल यही सब नहीं रख सकते, तुम्हें एरेशन भी देना पड़ेगा। एरेशन देने के लिए तुम नॉन कैपिलरी कोर्स की तरफ जाओगे। तो अभी इसी को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा नोट आता है कि आइडियल सॉइल की मैं बात करूं, आइडियल सॉइल शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ कैपिलरी पोर्स एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। आइडियल सॉइल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैपिलरी पोर्स एंड नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है और पूछ सकता है आजकल के पैटर्न के मुताबिक, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि अगर मैं सॉइल वाटर की बात करता हूँ यहां से तो सबको पता है देर आर फोर टाइप्स ऑफ द सॉइल वाटर। जनरली तीन ही टाइप होते हैं तो मैं तीन के बारे में लिख देता हूँ। पहला होता है आप लोगों का कौन से वाला, ग्रेविटेशनल वाटर। पहले अगर मैं सॉइल वाटर की बात करूं तो फर्स्ट वाटर इज नोन टू बी एज द ग्रेविटेशनल वाटर। आई कैन से दैट फर्स्ट वर्ड ही सबसे पहले लिख देता हूं, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट ग्रोथ। अरे वाटर सॉइल से इनफिल्टर होके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। इट विल बी गोइंग टू ज्वाइन द वाटर टेबल। इट नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, एवरीबडी नोज दैट। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये पानी प्लांट ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आई विल से दैट दिस वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड। दिस वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड एंड ज्वाइंस ग्राउंड वाटर टेबल। जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं कह सकता हूं कि ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करता है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ में ये चीज कभी काम में नहीं आती। अब एक चीज तो समझ में आना चाहिए प्यारे दोस्तों, for this water table to increase, we require with soil, we can say that we require sandy soil. We require mostly sandy soil, जिसके अंदर ड्रेनेज और एरेशन बहुत अच्छा होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, sandy soil से यहाँ पर क्या मतलब बना, जिसके अंदर आप लोगों का ड्रेनेज एंड एरेशन बहुत अच्छा होता है। ड्रेनेज एंड एरेशन दोनों ही बहुत अच्छा होता है उस सॉइल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे पास अगला आता है, that is known to be as the capillary water. Now I can say that, ladies and gentlemen, capillary water, I will say that it presents above the groundwater table. It presents above the groundwater table. ये groundwater table से ऊपर present रहता है and it moves upward under the influence of surface tension. Groundwater table and it moves upward under the influence of surface tension. I will say that up to the root zone. अब तुम लोगों को ये चीज तो समझ में आ चुका है कि ये जब सरफेस टेंशन के इन्फ्लुएंस में ऊपर जाता है, रूट जोन तक चले जाता है, सो इट इज रेडली अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। आई विल से दैट इट इज रेडली अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये चीज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज मैं समझ चुका हूं। एंड द थर्ड वन इज नोन टू बी एज व्हाट, थर्ड वन इज नोन टू बी एज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नाउ व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर? आई विल से दैट इट इज द काइंड ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर। इट इज द काइंड ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर। आई विल से दैट इट इज एब्जॉर्ब्ड वाटर held tightly to the
held tightly to the soil particle in the form of layers. ठीक है, not available to the plant growth, not available to plant growth, not available to the plant growth. I will say that. अब एक ही बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं भैया, अच्छे से सोचकर आंसर करिएगा एंड आई विल टेल यू द रीजन इटसेल्फ. तो अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव थ्री सॉइल्स. यहां पर मैंने कहा कि वी नीड टू टेल अबाउट द हाइग्रोस्कोपिसिटी. हाइग्रोस्कोपिसिटी के बारे में हमको बताना है कि किसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस जाएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर का. वी हैव क्ले, वी हैव सिल्ट एंड वी हैव सैंड. जल्दी बताएंगे, हमारे पास क्ले है, सिल्ट है और सैंड है, तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा? क्ले में आएगा, सिल्ट में आएगा कि सैंड में आएगा? हाइग्रोस्कोपिसिटी जल्दी से बताएंगे, सबसे ज्यादा किसमें आएगा? सैंड में बोला जा रहा है दिनेश और डीएच के थ्रू. मैं जरा बताना चाहूंगा यहाँ पर आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं. कैन यू प्लीज टेल मी हाइग्रोस्कोपिसिटी सबसे ज्यादा सैंड में क्यों आई? कैन यू प्लीज टेल मी? अब क्या सोच के आंसर कर रहे हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? पोरोसिटी ज्यादा है, तुक्का मार दिया और गलत हो गया. अब लिख लो फिर मैं रीजन बता देता हूं. क्ले आ जाता है, फिर आ जाता है सिल्ट और फिर आ जाता है सैंड. सर क्या नाम बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा. कैन यू प्लीज टेल मी? आई नो दैट हाइग्रोस्कोपिक वॉटर है क्या? हाइग्रोस्कोपिक वॉटर इज द एब्जॉर्ब वॉटर विच सराउंड्स द सॉइल पार्टिकल्स, विच सराउंड्स द सॉइल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. And I know that it is only and only due to the adhesion force. I can say that now hygroscopic water is only and only due to what? It is only due to the adhesion force. Everybody knows that it is only due to the adhesion force. Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. Okay, if it is only due to the adhesion force, then you can say that ki clay adhesion force hai kya? Totally and totally the charge force. Totally the charge force. It is the force due to the presence of charge. And I know that ki clay has the maximum power of charge, then silt aati hai, and then mere paas sand aati hai. That's why I'm saying that ki aap log isko karo. Ab tumhare concept par aata hu. Porosity agar zyada hai na, porosity agar zyada hai to pani infilter hota hai. Porosity agar zyada hai to pani infilter hota hai, par pani absorb nahi hota. Ye baat yaad rakhna. Absorbing power ki main baat karu, then it is only due to the adhesion. So I can say that ki clay has the maximum power of charge. That's why hygroscopic capacity उसकी ज्यादा जाएगी. ठीक, अभी इसी के साथ नोट करके एक बात को याद रखेंगे कि मैं इसको समझाऊंगा बाद में, लिख लो पहले. वॉटर सराउंड द सॉइल पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक वॉटर. हाइग्रोस्कोपिक वॉटर सराउंड द सॉइल पार्टिकल बाय 32 एटमोस्फेयर. अब ये 32 एटमोस्फेयर क्या है? I will say that bracket में लिख लो, it is the unit of soil moisture tension. It is the soil moisture tension unit. अब ये soil moisture tension क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर में तुमको बताता ही हूँ, टेंशन मत लेना इस चीज की. ये चीज तुमको क्लियर हुआ. दूसरा पॉइंट यहां पर लिखना कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमूव कैसे किया जा सकता है. हाइग्रोस्कोपिक वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय what? High temperature heating can be removed by heating at high temperature. ये चीज आपको याद रखें. ठीक है, अब मेरी बात आती है यहां से, ladies and gentlemen, हमारा अगला ही टॉपिक आता है, that is known to be as the soil moisture tension. ये क्या होता है? अभी soil moisture tension को मैं हर जगह अब SMT लिखूंगा, तो आप लोग इसको SMT के नाम से ही जानना. I will say that it is defined as the force exerted by plant root to per unit area to extract water from the soil. Are you getting this point? कि पानी को निकालने के लिए जड़ एक फोर्स तो लगाती है ना. सिंपल सी बात है, और तुम्हें पता है जड़ बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है,
तो पर यूनिट एरिया में जितनी भी जड़ आ रही है, तो कितनी जड़ कितना फोर्स लगा रही है पानी को निकालने के लिए, दैट फोर्स इज मोर टू बी एज द सॉइल मॉइस्चर टेंशन। प्रैक्टिकली सोचो यार, आपको भी पता है कि जड़ एक जीवित है, दैट इज अ लिविंग। अनु जानता है यहां से कि तुम लोगों की जड़ भी एक ताकत लगाती है, लेकिन इनडायरेक्टली तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये सरफेस टेंशन के रूप में पानी ऊपर आता है, सरफेस टेंशन के रूप में पानी ऊपर आता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि जितना ज्यादा फोर्स आपकी जड़ आपकी मिट्टी की तरफ लगा रही है, उतना ही तेजी से पानी ऊपर आ रहा है। मेरी बात को समझना, जितना ज्यादा फोर्स आपकी जड़ आपकी मिट्टी पर लगा रही है, उतना ही तेजी से पानी ऊपर आ रहा है। और वो पानी ऊपर आने के फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कैपिलैरिटी। इट इज ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन, नथिंग एल्स। इट इज ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन। मैं जो लॉजिक दे रहा हूं वो थ्योरेटिकली गलत है, प्रैक्टिकली भी गलत है, लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है, इसीलिए बता रहा हूं कि जितना फोर्स आपकी जड़ लगा रही है पानी उतनी तेजी के साथ आ रहा है। तो तुम लोगों को समझ में आ चुका है एक्चुअली में सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, कि जितनी ज्यादा पानी तेजी से ऊपर आ रहा है ना, तुम वहां पर देखकर बता सकते हो कि आपका सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या है। समझ में आ गया होगा। इट इज द फोर्स एक्टिंग बाय द प्लांट रूट टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल मॉइस्चर टेंशन। अब मेरी बात को समझते हुए चलेंगे, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लाया हूं। ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है एक्चुअली में, इससे पहले वाली चीज, इसकी यूनिट की मैं बात करना चाहूं तो इसकी यूनिट क्या होती है सर? इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, वी जस्ट मेजर इट इन द एटमॉस्फेरिक टर्म्स। ठीक है तो प्रेशर ही, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो है, प्रेशर ही तो है। अभी मेरी बात को समझना, 32 एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? 32 एटमॉस्फेयर का यहां पर यह मतलब आता है प्यारे दोस्तों कि आपकी मिट्टी को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉरी प्लांट की रूट्स को पानी निकालने के लिए, प्लांट की रूट्स को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। और आई विल से दैट 32 एटमॉस्फेयर इज इम्प्रैक्टिकेबल, टोटल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 32 एटमॉस्फेयर का प्रेशर तुम लोग जानते हो कितना ज्यादा हो रहा है, प्लांट रूट नहीं लगाती है तो पानी इसलिए वो वाला निकल ही नहीं पाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा कि किस सराउंड द सॉइल बाय कितना फोर्स लगता है? 32 एटमॉस्फेयर के एडिशन फोर्स से आपका पानी उसके साथ चिपका होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात को समझना, पहले मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। अभी मेरी बात का एक छोटा सा, इट इज ऑल्सो नोन टू बी एस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, चार पांच नाम और होते हैं इसके, वो भी याद रखना है। पहला नाम आता है सॉइल सेक्शन, पहला नाम आता है यहाँ पर सॉइल सेक्शन, दूसरा नाम यहाँ पर आता है फोर्स ऑफ सक्शन, इसको हम फोर्स ऑफ सक्शन के नाम से भी जानते हैं, सॉइल पुल के नाम से जानते हैं, सक्शन पुल लिखे, सॉइल पुल, फोर्स ऑफ सक्शन। तीसरा नाम मेरे पास इसका आता है कैपिलरी पोटेंशियल, एंड द फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द कैपिलरी टेंशन। फोर्थ वन क्या होता है? कैपिलरी टेंशन, ये आपको याद रखना है। अब मेरी बात एक छोटी सी नोट करके लिखना यहां से, एक छोटा सा टर्म आता है दैट इज नोन टू बी एज टीनेसिटी। आजकल पूछ रहा है एग्जाम के अंदर टीनेसिटी क्या होता है। अभी मैं एक चीज को कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि जितना फोर्स उसको लगाना पड़ रहा है, छोटी सी चीज लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मोर इज द फोर्स, मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू, मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर, मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल, मोर इज द टीनेसिटी, मोर इज टीनेसिटी। तो टीनेसिटी को बच्चे जनरली यहां पर कंफ्यूज क्या होते हैं, टीनेसिटी को बच्चे सरफेस टेंशन से रिलेट करते हैं, बट टीनेसिटी इज ऑपोजिट टू द सरफेस टेंशन। ग्रेटर इज द सरफेस टेंशन, ग्रेटर इज द सरफेस टेंशन मींस जितना पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर इज द सरफेस टेंशन, पानी ऊपर आ रहा है। आई विल से दैट एक्चुअली में जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उतनी ज्यादा टीनेसिटी है। तो 32 एटमोसफेयर के केस में टीनेसिटी मैक्सिमम है, लिख भी लो। जैसे मैंने कहा कि इफ द वॉटर इज हैविंग 0 एटमोसफेयर सरफेस टेंशन, तो इसकी टीनेसिटी कैसी है? बहुत कम है, इसकी टीनेसिटी बहुत कम है। ठीक है, अगर आपका कोई 32 एटमॉस्फेयर की मैं बात करता हूं तो इसकी टीनेसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद करनी है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी आप लोग लिख लो कि डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन। हर प्लांट की अपनी अपनी वैल्यू होती है सॉइल मॉइस्चर टेंशन की, तो एक फिक्स वैल्यू नहीं है। मैं आपको ये चीज कह सकता हूँ कि जनरली इसकी वैल्यू लाइज कितनी करती है,
जनरली रेंज ऑफ एसएमटी कितनी रखी जाती है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ 0 से 32 एटमोसफेयर के बीच में इसकी वैल्यू को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात कहना चाहूंगा यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज मैंने कहा कि आई हैव द सैचुरेटेड सॉइल, आई एम सेइंग दैट, आप लोग आंसर करिएगा, फॉर सैचुरेटेड सॉइल मैंने कहा कि मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉइल है, इस सैचुरेटेड सॉइल के लिए एसएमटी कितना होगा ये आपको बताना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप लोग दिमाग लगाओ और आंसर करो। एक सैचुरेटेड सॉइल है, एसएमटी कितना होगा? दिनेश कुमार का कहना है 0 एटमॉस्फेयर, धीरज कुमार इज ऑल्सो सेइंग 0 एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली इट इज 0 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई विल से दैट जब एक मिट्टी पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, जब एक मिट्टी पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, आई कैन से दैट वॉटर इज रेडली अवेलेबल ऑल ओवर इट द सॉइल। तो जब मिट्टी पूरी की पूरी सैचुरेटेड है तो पानी हर जगह है, यानी पानी पेड़ों तक आराम से आ सकता है, पेड़ को कोई कश्मकश करने की जरूरत नहीं है, 0 एटमॉस्फेयर पे पानी इजिली अवेलेबल है। तो आई कैन से दैट कि फॉर सैचुरेटेड सॉइल के लिए एसएमटी 0 एटीएम के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आपके काम आ सकती है। अब इसके बाद मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि एक और टर्म आती है, दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। अब ये क्या होता है? देखो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस और सॉइल मॉइस्चर टेंशन में फर्क क्या है? आई एम सेइंग दैट इट इज एसएमएस। होता क्या है समझना, यू नो दैट कि स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, एंड टेंशन हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया, शियर हो गया, ये सारे के सारे जो है ये स्ट्रेस की कैटेगरी है। तो आई कैन से दैट कि स्ट्रेस इज द मेन हेडिंग एंड टेंशन इज द सब हेडिंग, स्ट्रेस इज द मेन हेडिंग, टेंशन इज द सब हेडिंग। एवरीबडी नोज दैट कि वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग द इरीगेशन, हम मिट्टी में पानी डालते हैं, एंड मिट्टी और वॉटर कंटेन सम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन इट। आई कैन से दैट ना कि या तो मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर ही मान लो नमक होता है, नमक होता है, एंड ड्यू टू दैट नमक, इफ द नमक गॉट एक्सेस, देन इट विल बी गोइंग टू डैमेज आवर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वी नो दैट। नमक अगर डाल देता हूं तो उस एरिया में घास नहीं उगती, आपको पता है, पता है आपको, नमक डालने से फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो आई विल से दैट कि भैया अगर मिट्टी के अंदर नमक है तो नमक और पानी के मिलने से एक और चीज आती है सर, आई एम सेइंग दैट एक प्रोसेस चलता है, दैट इज नोन टू बी एज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब मेरी बात तो समझते हुए चलना, मैंने कहा अगर मिट्टी के अंदर नमक है, अगर मिट्टी के अंदर नमक है और पानी की कमी है, अगर मिट्टी के अंदर नमक है और पानी की कमी है, तो तुमको एक चीज तो पता है प्यारे दोस्तों कि तुम्हारा बाहर से दिया हुआ पानी जो है वो मिट्टी के अंदर जाएगा किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस, दैट इज नोन टू बी एज द ऑस्मोसिस प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस प्रोसेस देयर इज वन स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल, दैट इज नोन टू बी एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ द स्ट्रेस ड्यूरिंग द इरीगेशन फिनोमेना, दैट इज नोन टू बी एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑल्सो देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉइल सर्फेस टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। नाउ आई नो दैट कि टोटल स्ट्रेस कितना हो गया सर, एक तो वो टेंशन होगी, दूसरी ऑस्मोटिक प्रेशर होगी, दोनों को मिला के हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। एक बार थम्स अप करना, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर? तो आई कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as soil moisture, it is defined as sum of, it is defined as the sum of soil moisture tension and soil moisture tension and soil moisture stress, soil moisture tension or soil moisture stress pe ye depend karta hai, apne ko ye cheez pata honi chahiye, and it is as a sum, nothing else. Ab osmotic ye, sorry sir, लिखना था ऑस्मोटिक प्रेशर। आई कैन से दैट यहां पर
SMS is equal to SMT plus osmotic pressure. Now everybody knows that ki what is osmotic pressure. नहीं पता तो आप लोग खुद से पढ़ो, बेसिक सी चीज है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। मेरी बात आती है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, मेरे पास एक छोटी सी बात आती है, one is known to be as the leaching. What do you mean by leaching? Suppose I am saying that ki soil is having, let soil is having high concentration of salt. We know that salt will be going to reduce. Salt will reduce fertility of the soil. So what we actually do here, we apply plenty of the water. We apply plenty of the water. Plenty of the water in the field. We apply plenty of the water in the field. What? We apply plenty of the water in the field so that due to osmosis process, due to osmosis process, concentration of the soil in soil reduces, and we get fertile soil. इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, the whole process is known to be as, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर, whole process is called leaching. इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा, वॉशिंग आउट ऑफ द सल्फेट सॉल्ट्स, वॉशिंग आउट ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट्स, वॉशिंग आउट ऑफ द सॉल्ट्स। वॉशिंग का मतलब यही तो है कि वी जस्ट हैव टू रिमूव द सॉल्ट फ्रॉम दैट एरिया, एंड आई कैन नॉट रिमूव द सॉल्ट बाय द वॉशिंग इन द फील्ड, बिकॉज अगर वॉश करूंगा तो क्रॉप्स का क्या होगा। तो आई एम जस्ट यूजिंग माई इंजीनियर्स माइंड हेयर एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड गेट्स द सॉइल फ्री फ्रॉम द सॉल्ट, हेंस फर्टाइल सॉइल। That is the important thing. अब इसके बाद मेरी बात आती है यहां से, छोटा सा एक कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो ऐसा हेडिंग डाल लो, that is known to be as the soil moisture constants, soil moisture constants. Now I will tell you the name only and you will get the concept itself. पहला नाम मेरे पास आता है, that is known to be as the saturation capacity. Now what do you mean by the saturation capacity? Can you please tell me? सेचुरेशन कैपेसिटी मींस, सेचुरेशन का मतलब सबको पता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वॉटर, एंड कैपेसिटी मींस होल्डिंग कैपेसिटी। आई कैन राइट इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मेरे शब्दों पर, मेरे कंसेप्ट पर गौर देना, नहीं तो तुम कंफ्यूज होने वाले हो पक्का। इसीलिए पहले से चेतावनी कि प्लीज हैव कंसेंट्रेशन, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी, और आई कैन राइट इट एज। सर पानी कितना ज्यादा मिट्टी के अंदर स्टोर हो सकता है? मैंने कहा मेरे पास दो मिट्टी है, सॉइल ए एंड सॉइल बी, एंड आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉइल वन टू, आई एम सेइंग दैट दिस सॉइल स्टोर्स वॉटर ऑफ 1 किलोग्राम। टोटल 1 किलोग्राम पानी इसने स्टोर किया, उसके बाद पानी बह गया था। दिस सॉइल स्टोर्स वाटर ऑफ 1.5 किलोग्राम। आई कैन से दैट फ्रॉम दिस कंक्लूजन, सॉइल टू हैज मोर सेचुरेशन कैपेसिटी देन वन, मोर सेचुरेशन कैपेसिटी देन सॉइल वन। एवरीबडी नोज दैट सेचुरेशन कैपेसिटी, अब तुमको समझ में आ चुकी है ये क्या होती है, बेसिक सी चीज है। क्वेश्चन में आपको कई बार ये भी पूछता है, एट सेचुरेशन कैपेसिटी एसएमटी कितना होता है, तो वो एक ही बात, वो मैंने लिखवाया ना, वो एक ही बात है, एट सेचुरेशन कैपेसिटी एसएमटी कितना होता है, दैट एसएमटी इज इक्वल टू जीरो, वो एक ही बात है। सेचुरेशन कैपेसिटी मतलब सेचुरेटेड सॉइल, ये चीज आपको याद रखनी है भाई साहब। अभी एक चीज याद रखना, जनरली वी टॉक अबाउट द सैंडी सॉइल, हाँ ठीक ना। अभी एक चीज और याद रखना, इसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट टर्म, नोन टू बी एज द फील्ड कैपेसिटी। सर आई विल से दैट इट शुड बी डिफाइंड इन माय ओन टर्म्स, प्लीज हैव अ कंसंट्रेशन ऑन माय वर्ड्स। आई एम सेइंग दैट इट इज डिफाइंड एज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मैक्सिमम वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अभी शब्दों पर गौर देना, मैक्सिमम वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल
आफ्टर द वॉटर गेट्स ड्रेन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आफ्टर आफ्टर द ड्रेनिंग ऑफ वॉटर आफ्टर द ड्रेनिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर ड्यू टू ग्रेविटी. अब मेरी बात को समझना. आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके पास एक मिट्टी थी और उस मिट्टी ने शुरू में क्या करा था. इस मिट्टी ने शुरू में 1.5 किलो पानी होल्ड कर रखा था. एंड आई एम सेइंग दैट यू नो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर गेट्स ड्रेन्ड ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. आई नो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका पानी जो है वो नीचे जाएगा बट कुछ अमाउंट तक. 100% पानी कभी नहीं जाता. 100% पानी कभी नहीं जाता. यू नो दैट क्यों नहीं जाता सर. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. यू नो दैट एब्जॉर्ब वाटर तो कहीं नहीं जा रहा. एब्जॉर्ब वाटर उसी में रहेगा. यू नो दैट कैपिलरी वाटर तो कभी नहीं जा रहा. उसी में रहेगा. तो आई कैन से दैट कुछ अमाउंट ऑफ पानी जमीन के अंदर जाएगा. और वो कुछ अमाउंट ऑफ पानी मैंने कहा सुपोज 750 ग्राम है. सुपोज 750 ग्राम है तो तुम्हारे को अभी एक चीज याद आएगी. अब मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं कि सर सेचुरेशन कैपेसिटी कितनी थी. ये एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है. बच्चों को ना बहुत टाइम तक समझ ही नहीं आता इसलिए जरूरी है. सेचुरेशन कैपेसिटी थी 1.5 किलो लेकिन फील्ड कैपेसिटी कितनी बनी आपकी. वो बनी 750 ग्राम. कौन सी वाली सर. ये जो बची 750 ग्राम है ना इसको 750 मत करो. इसको ऐसा करो तुम कर लो यहां से 500 ग्राम वो फिर पूरी आ जाएगी तुम्हें. अब समझ में आ जाएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. इसको तुम ऐसा लिख लो. ये हो गई तुम्हारी 500 ग्राम. तो ये कितना बचा 1.5 किलो में से. ये बचा 1 किलो. तो आई विल से दैट ये कितनी बची अभी आपकी 1000 ग्राम. तो ये है आपकी फील्ड कैपेसिटी. नाउ आई नो दैट व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी. नाउ आई नो दैट व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी. आई कैन राइट वन नोट फ्रॉम हियर. सेचुरेशन कैपेसिटी जो है वो हमेशा फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा होगी. कभी भी कम नहीं हो सकती. ठीक है ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है 100%. जल्दी यस करके लिखो ये चीज क्लियर है कि नहीं है. अगर यस करके प्लीज आप लोग लिखा करो. अगर उपस्थित हो तो मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग उपस्थित हो यहाँ पर. चले अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि इसका फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन को मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फील्ड कैपेसिटी. आई कैन से दैट कि आपको पता है कि शुरू में तो सर वी कैन से टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर व्हाट. समझा नहीं धीरज कुमार. मैंने एक चीज तो कहा कि वाटर जो है नीचे जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. एंड यू नो दैट कि ये रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है समय के साथ कम होता रहता है. जैसे जैसे पानी नीचे जाता रहेगा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम होता रहेगा. नो विल डिक्रीज. नो टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर नहीं है. इसके आगे एक सेंटेंस लगा लेना. टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर आफ्टर वाटर लॉस ड्यू टू ग्रेविटी. आफ्टर वाटर लॉस ड्यू टू ग्रेविटी ये जरूरी है. जो आप लिख रहे हो वो सेचुरेशन कैपेसिटी है. ठीक है आफ्टर वाटर लॉस ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड कैपेसिटी बनता है. सो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि समय के साथ आपका ये रेट डिक्रीज होता रहेगा. एक समय ऐसा आएगा कि ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा या फिर बिल्कुल छोटा छोटा रह जाएगा. आई कैन से दैट. तो आई विल से दैट कि इफ यू वांट टू डिफाइन इट देन आई विल से दैट कि रेट ऑफ हाउ कैन यू डिफाइन इट. ऐसा लिख When the rate of changing soil moisture is very small. ठीक है. Then the water content is said to be as. Then water content is said to be as fluid capacity. समझ में आ गया ना. ये चीज क्लियर होनी चाहिए तो शब्द जरूरी होते हैं समझने. Water content is फील्ड कैपेसिटी. अब मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये भी क्लियर हो गया. फील्ड कैपेसिटी भी समझ आ गया. नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ आते हैं. व्हाट यू मीन बाय द फील्ड कैपेसिटी. तो फील्ड कैपेसिटी को न्यूमेरिकल फॉर्मूले में लिखना भी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए. तो हाउ विल आई गोइंग टू राइट इट. एक मिनट.
फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा, वेट ऑफ मैक्सिमम वाटर हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी अपॉन में यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, दैट इज द न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फील्ड कैपेसिटी. नीड टू अंडरस्टैंड दिस. दिख रहे हैं ना आप लोगों को ये टोटल. अब मेरी बात आती है यहां पर, एक छोटा सा नोट करके और लिख सकते हैं हम लोग. एट फील्ड कैपेसिटी SMT कितना होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है, दैट इज नियरली इक्वल टू 1/10 ऑफ SMT इज इक्वल टू 1/10 टू 1/12 एटमोस्फेयर. ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये भी इसके लिए लिखना है कि मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल अगर आपके पास है, कोई मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल है उसके लिए फील्ड कैपेसिटी कितना होता है, उसके लिए फील्ड कैपेसिटी कितना होता है मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए. मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए फील्ड कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50% ऑफ पोर वॉल्यूम. टोटल पोर्स की जो वॉल्यूम होती है उसका 50% के बराबर होता है मीडियम टेक्सचर. क्यों? बाकी पानी बह जाता है, बाकी पानी बह जाता है. सो आई विल से वन थिंग टू यू कि इफ यू आर हैविंग द फाइन ग्रेन सॉइल, इफ यू आर हैविंग द फाइन ग्रेन सॉइल, इफ यू आर हैविंग द कोर्स ग्रेन सॉइल, देन कैन यू प्लीज टेल मी कि फील्ड कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी, फील्ड कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी, फाइन ग्रेन में ज्यादा होगी कि कोर्स ग्रेन में ज्यादा होगी. Obviously, I have already told you ना कि मेरे शब्दों में देसी जुगाड़ में अगर समझना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूँ फील्ड कैपेसिटी डिनोट्स व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर कंटेंट, दैट इज द कैपिलरी वाटर कंटेंट, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर कंटेंट. तो दैट वाटर कंटेंट इज नोन टू बी एज द फील्ड कैपेसिटी, नथिंग एल्स. तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है. आगे मेरी बात आती है इसी के बाद, एक और पॉइंट आता है दैट इज नोन टू बी एज द परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट. Permanent melting point. Now, what is the permanent melting point? Have a concentration. Now, ladies and gentlemen, have concentration. He, that water content at which plant roots cannot be not able to extract water from the soil. I will say that it is defined as the water content at which it is defined as the water content in which water content of soil in which soil at which plant roots not able to extract water from soil. मतलब पानी बहुत कम है कि प्लांट रूट पानी खींच ही नहीं पा रही है. एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल, उस वाले वाटर कंटेंट को हम लोग कहते हैं परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज PWP. ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, समझना जरूरी है. ठीक है, तो I will say that कि PWP का numerical formula आपका क्या बनेगा? PWP का numerical formula आप लोगों का क्या बनेगा? I will say that कि weight of the water in the soil when plants gets permanently wilted, when plants get permanently wilted वेट ऑफ द ड्राई सॉइल, ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, हम लोगों को ये चीज याद रखनी है. आगे की मेरी बात आती है यहां से, लेडीज एंड जेंटलमैन एक छोटी सी नोट करके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया कि परमानेंट वेटिंग पॉइंट पर एट PWP SMT कितना होता है. At PWP SMT कितना होता है? That is nearly about 7 से 32 atmosphere के बीच. अब तुम लोगों को एक चीज समझ में आ चुकी है यहां से कि आपका जो प्लांट है वो कितने से कितने एटमोस्फेयर प्रेशर के बीच में नहीं निकाल सकता आपका पानी. सो आई कैन से दैट इन द अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि बियॉन्ड 7 एटमोस्फेयर प्लांट वॉन्ट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट वॉटर. अनदर शब्दों में ऐसा भी लिख सकता हूँ, want to be able to extract water. अभी इतना मुझे समझ में आ चुका है
और उम्मीद है आपको भी आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, बेसिक सा टर्म है, बस घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो घुमा के हमने भी लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और बनती है, दैट इज नोन टू बी एज द अवेलेबल मॉइस्चर। नाउ आई कैन से दैट व्हाट यू मीन बाय द अवेलेबल मॉइस्चर, एक मॉइस्चर तो था जो पूरा पूरा अवेलेबल था, एक मॉइस्चर तो पूरा पूरा अवेलेबल था फील्ड कैपेसिटी, एक मॉइस्चर है जो बिल्कुल ही नहीं है परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, उन दोनों के बीच का मैं कह सकता हूँ अवेलेबल मॉइस्चर। आई कैन से दैट मॉइस्चर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी, अभी तुम एफ सी और पीडब्ल्यूपी को समझ जाना अपने आप, ठीक ना, एफ सी एंड पीडब्ल्यूपी कॉल्ड अवेलेबल मॉइस्चर, बस इतना ही कहना और कुछ नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकली इफ यू वॉन्ट टू राइट इट, न्यूमेरिकली इफ यू वॉन्ट टू राइट इट, देन एवीएम इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्ल्यूपी, बस यही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहां पर कि सपोज यू आर वाटर कंटेंट डेप्थ की टर्म्स में डिनोट किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि इफ आई एम हैविंग द यूनिट एरिया, तो मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर ये पूरा पूरा पीडब्ल्यूपी लाई करता है, यहाँ पर मेरा एफ सी लाई करता है, तो ये पूरा बीच का जो है ये एएम है, तो ये चीज मुझे बतानी थी और यही है, ठीक। इसके बाद एक और आता है, दैट इज नोन टू बी एज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, दैट इज नोन टू बी एज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। नाउ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर बोले तो राम, राम क्या होता है, जो इजिली अवेलेबल है। देखो क्या होता है, तुम्हें एक चीज तो पता है कि यार फील्ड कैपेसिटी का पानी जो है वो 100% डेडिकेटेड वाटर है, बिल्कुल अवेलेबल है, तुम यूज करो जब मन कर रहे है। यहां तक का पानी मैंने कहा कि तुम आराम से यूज कर सकते हो, जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, वैसे वैसे यू आर गोइंग टू वॉच द पीडब्ल्यूपी रीजन, और पीडब्ल्यूपी रीजन तुम्हें पानी देने से कतरा रहा है। तुम कह सकते हो ना कि तुम अपने रीजन से बाहर निकल रहे हो, फील्ड कैपेसिटी से बाहर निकल रहे हो, एंड यू आर जस्ट मूविंग टू द पीडब्ल्यूपी रीजन। जैसे जैसे नीचे आओगे तुम्हारी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कम होती रहेगी, ऑब्वियसली ना, जैसे जैसे नीचे आऊंगा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। सो आई कैन से दैट व्हेन वी गोज फ्रॉम, लिख लो ये बात छोटी सी है, व्हेन वी गोज फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू पीडब्ल्यूपी, फील्ड कैपेसिटी से पीडब्ल्यूपी की तरफ जाएंगे, देन अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस। उसी चीज को मैं कहता हूं, उसी चीज को मैं कहता हूं कि 100% वाटर अवेलेबल नहीं है, सो दैट आई कैन से दैट ना, सो दैट आई कैन से दैट, आई कैन से दैट व्हाट, कि 100% अवेलेबल मॉइस्चर इज नॉट यूजफुल, 100% अवेलेबल मॉइस्चर इज नॉट यूजफुल, 100% यूजफुल नहीं है, मतलब बहुत कश्मकत करनी पड़ेगी आपको, यूजफुल इजिली ब्रैकेट में लिखो इजिली, तो चीजें समझ में आएंगी, कश्मकश करनी पड़ेगी, मरकत करनी पड़ेगी तुम्हें यहां पर कि तुम्हें वो पानी यूज करना है, तो इतनी मशक्कत से अच्छा है कि तुम ऐसा लिख सकते हो कि नियरली अबाउट आई विल से दैट कि ये जो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर होता है ना, आई एम सेइंग दैट कि ये 75% ही अवेलेबल होता है ढंग से, बाकी के लिए मुझे फिर मशक्कत करनी पड़ती है और मैं उस चीज को फिर नहीं करना चाहता। तो वो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या बता रहा है कि हाउ मच वाटर इज इजिली अवेलेबल टू अस, इजिली अवेलेबल, दैट इज द मेन थिंग, इजिली शब्द यूज करना, बाकी कोई है। सो आई एम सेइंग दैट अनदर टर्म दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सर मॉइस्चर इक्विवेलेंट एक टर्म आता है, ये मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है। I will write one sentence of my own, कि it is the laboratory method to find, it is laboratory method to find what, it is a laboratory method to find what, it is the laboratory method to find field capacity of soil, एक मिट्टी की field capacity निकालने का laboratory तरीका है, होता क्या है, I will say that it defines as water content available in the soil, water content available in 10 mm thick sample, 10 mm thick sample of soil after going through centrifugal force, after going through centrifugal force for आधा घंटा। अब तो मेरी बात को समझकर चलना, यहां से मैं कहना क्या चाहता हूं, एक मिट्टी है और तुम मिट्टी के गोले को घुमाए जा रहे हो, 10 mm ठीक का मिट्टी का गोला है घुमाए जा रहे हो, यू नो दैट देयर विल बी द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
एंड ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाटर विल बी गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सोइल. अरे पानी उड़ेगा ना बाहर की तरफ, उड़ेगा. सर एक बात तो समझ कर चल लेना, तुम पानी को फेंकने की कोशिश कर रहे हो. अगर मिट्टी के अंदर ताकत है ना तो वो पानी को बचा लेगी, और जो मिट्टी पानी को बचा लेती है ना उसी को तो फील्ड कैपेसिटी कहता हूं. कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? तो मैंने क्या कहा कि तुम आधे घंटे तक मिट्टी को घुमाओ और जितना पानी रह गया वो फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है, उसको हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट का नाम देते हैं. ठीक है, अब बात को समझना. आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कि भैया तुम लोगों को ये भी समझ में आ चुका है कि ये फील्ड कैपेसिटी जो था वो खाली ग्रेविटी के वाटर को हटा रहा था. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा नहीं लग रहा. ग्रेविटी कितना है? बहुत कम लगेगा. सेंट्रीफ्यूगल बहुत ज्यादा लग रहा है. तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मॉइस्चर इक्विवेलेंट है ना, ये आइडियल कंडीशन को डिनोट करता है कि कोई लॉस वॉस कुछ मत कंसिडर करो, लेकिन ओरिजिनली थोड़ा रह जाता है. सो आई विल से दैट कि दिस मॉइस्चर इक्विवेलेंट द वॉटर अवेलेबल आफ्टर रोटेशन, द वॉटर अवेलेबल आफ्टर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी एफ को मैंने लिख दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, इज मॉइस्चर इक्विवेलेंट, इज मॉइस्चर इक्विवेलेंट. ये चीज समझ में आ चुकी है. एंड आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट के बाद अभी समझ में आता है, एक छोटा सा नोट करके लिख लो कि तुम्हें ये भी चीज समझ में आ जाएगी. ये जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट जनरली बताता क्या है? टेल्स अस अबाउट आइडियल कंडीशन. ये जनरली आइडियल फील्ड कैपेसिटी के बारे में बता रहा है, जो कि हमारे ज्यादा काम की नहीं होती बिकॉज प्रैक्टिकली में हम जीते हैं. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जरूरी भी है. अब मैं फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालना बता देता हूँ. तो यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला फॉर फील्ड कैपेसिटी. Suppose I am saying that you are considering the unit area of the field. आपने क्या करा कि field का unit area मान लिया. So let unit area यानी A is equal to 1 and I am saying that D is the depth of the root zone. ऐसा लिख लिया. D क्या है आप लोगों का? Depth of the root zone. So I can say that ladies and gentlemen, I can say that यहाँ पर कि total volume कितनी हो जाएगी? You can say that area into depth. Area कितना है? 1 है. तो I can say that कि volume जो है वो मेरी V की D के बराबर हो जाएगी. वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जो है वो मैं D के बराबर लिख सकता हूँ. इतना समझ में आ चुका है. Now I know that ladies and gentlemen कि फील्ड कैपेसिटी क्या था? वेट ऑफ द वॉटर अपॉन वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ द वॉटर अपॉन वेट ऑफ द सॉइल इंटू 100. ये सब पता था आप लोगों को, मैं फॉर्मूला लिखवा चुका. नाउ यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि भैया वेट ऑफ द वॉटर अपॉन वेट ऑफ द सॉइल को मैं गामा की टर्म्स में लिख सकता हूँ. गामा इंटू वी, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन में गामा डी इंटू में वी डी. इतना समझ में आ चुका है. गामा डी समझ रहे हो ना? ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. आई विल से दैट कि वॉल्यूम इज इक्वल टू डी, सो आई कैन राइट इट एज कि फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू में वी डब्ल्यू अपॉन में गामा डी इंटू में बड़ा डी, मतलब जो डेप्थ ऑफ द रूट जोन था वो मैंने यहां से निकाल लिया. नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर लेडीज एंड जेंटलमैन. तुम लोग यहां से लिख सकते हो यहां पर कि VW is equal to में गामा डी इंटू में डी इंटू में फील्ड कैपेसिटी अपॉन में गामा डब्ल्यू. एंड यू नो दैट कि VW is equal to एरिया इंटू डी डब्ल्यू, सो आई कैन राइट इट एज ना एरिया तो 1 है, VW is equal to में A इंटू डी डब्ल्यू, एरिया 1 है, तो आई कैन राइट इट एज DW is equal to गामा डी इंटू में डी इंटू में फील्ड कैपेसिटी अपॉन में गामा डब्ल्यू. और इसी का तो खेल है सारा, कितना पानी देना चाहिए डेप्थ ऑफ द वॉटर तो निकालना है. सो आई विल से दैट DW इज द डेप्थ ऑफ द वॉटर अप्लाइड, डेप्थ ऑफ वॉटर अप्लाइड. ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. एंड दिस इज द मेजर फॉर्मुला, यू नीड टू लर्न इट. व्हाट इज द फॉर्मुला हियर? DW इज इक्वल टू गामा इंटू में गामा डी ड्राई सॉइल इंटू में डी डेप्थ ऑफ द रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी अपॉन में गामा डब्ल्यू. दैट इज द मेजर फॉर्मुला यू नीड टू लर्न. अभी तुम लोग मुझे बस ये बताओ इतना समझ आया थम्स अप करके, सो दैट वी कैन कम विद न्यूमेरिकल ऑफ दिस, तो और क्लियर हो जाएगा.
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग टू यू व्हाट, सुनेंगे फिर करेंगे. द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट फॉर अ गिवन 0.8 मीटर रूट जोन, फॉर 0.8 मीटर रूट जोन इज कितना है. फील्ड कैपेसिटी इज गिवन टू यू एस 35% एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज गिवन टू यू एस 10%. इट इज गिवन, ठीक है. नाउ एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम सॉइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज 20%. एट अ गिवन टाइम सॉइल मॉइस्चर कितना आ रहा है आप लोगों का, 20%. ये भी गिवन है. इट इज 20%. व्हेन अ फार्मर इरिगेट्स द सॉइल विद, व्हेन अ फार्मर इरिगेट्स द सॉइल विद 250 mm डेप्थ ऑफ द वॉटर, डेप्थ ऑफ द वॉटर कितना है 250 mm डेप्थ ऑफ द वॉटर, एज्यूमिंग बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज, एज्यूमिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज 1.6. It is given to me that it is 1.6. Determine the amount of the water wasted from the consideration. Determine amount of the water. Determine wasted water. Determine wasted water. क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अगर आप लोगों को भूला जाए आप सोचेंगे दोबारा से, मैं बता देता हूँ. Field capacity given है, total root zone depth given है, permanent wilting point given है, soil moisture given है, depth of the water given है, g given है. आपको कह रहा है कि एक फार्मर इरिगेट कर रहा है इस सारे डाटा के साथ, तो वेस्ट कितना हो रहा है पानी वो निकालते हैं. कैन यू प्लीज टेल मी, सर हैव अ कंसेंट्रेशन हेयर. आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी है, मैं करूं या आप लोग करोगे, मैं करूं या आप लोग करोगे इसको. आप बता दीजिए. अभी तुमको पता है कि वेस्टेड वाटर क्या होता है? अभी तुमको पता है वेस्टेड वाटर तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? आई एम सेइंग दैट कि अप्लाइड वाटर माइनस में फील्ड कैपेसिटी, जितना पानी तुमने दिया था, जो पानी कैपिलरी और स्टोर वाटर हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी जो हुआ, दैट इज द वेस्टेड वाटर ना. अप्लाइड वाटर में से फील्ड कैपेसिटी माइनस कर देता हूँ. फील्ड कैपेसिटी क्या है? यूज्ड वाटर. टोटल में से यूज निकाल दूंगा तो वेस्टेड ही निकल कर आएगा. अभी मुझे निकालना है फील्ड कैपेसिटी, मुझे पता ही नहीं है. I'm going to solve it. Now I can say that, ladies and gentlemen, मैं एक चीज तो जानता हूं कि फील्ड कैपेसिटी को भी मैं किस तरीके से निकालूंगा. मैंने कहा कि यहां पर मुझे डेप्थ की टर्म्स में गिवन है. आई कैन से दैट कि फील्ड कैपेसिटी के पानी को भी मुझे डेप्थ की टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा, जो डेप्थ की टर्म्स में निकालना पड़ेगा. तो मैं डेप्थ की टर्म्स में ही आंसर दूंगा. ये मेरी कॉमन सेंस और मेरी न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेंस मुझे ये चीज कहती है. तो मैंने क्या कहा कि अप्लाइड वाटर तो 250 mm का मुझे गिवन था, एंड दिस जीडब्ल्यू मैं निकाल नहीं सकता. वो कैसे निकालूंगा? गामा डी इनटू में डी इनटू में एफसी अपॉन में गामा डब्ल्यू. आई नो वन थिंग सर, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू होता है जी. गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू होता है मेरा जी. मैंने कहा 250 माइनस में जी का वैल्यू मुझे कितना गिवन था, 1.6. आगे मुझे डी कितना गिवन था, 0.8. आगे मुझे डाटा क्या क्या गिवन था यहां से. आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, डाटा मुझे यहां से गिवन था फील्ड, एक मिनट, फील्ड कैपेसिटी 35% है लेकिन पहले से सॉइल का मॉइस्चर 20% है. फील्ड कैपेसिटी 35% है मिट्टी की, लेकिन तुम कितना दोगे? फील्ड कैपेसिटी 35 है और पहले से 20 उपस्थित है, तो तुम्हें तो 15 ही देना पड़ेगा ना सर. तुम्हें तो 15 ही देना पड़ेगा ना. पहले से 20 उसमें है. मेरे इस कंसेप्ट को समझना, अभी पूछूंगा मैं. तुम्हें 35 तक पहुंचाना है. दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर दैट अ सॉइल कैन होल्ड, और 20 पहले से है, तुम्हें तो 15 देना पड़ेगा ना. तो आई कैन राइट इट एज कि 0.35 में से 0.2 माइनस कर देता हूँ. अभी ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए. एंड व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट द आंसर एज 0.192. सो वाटर वेस्टेड कितना हो गया?
वेस्टेड वाटर कितना हो गया? आई विल से दैट 250 माइनस में 0.192, तो 58 एमएम के आसपास मेरा इसका आंसर आ गया। अब सभी बच्चे मुझे ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया? सभी बच्चे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम भी। ये धीरज के अलावा देवानंद भी है, सचिन एस भी है, लव चौधरी भी है, मीनाक्षी बेहरा भी उपस्थित होनी चाहिए शायद, जल्दी करेंगे, ठीक है ना? चलो अभी एक दो क्वेश्चन और करवाने थे, लेकिन समय की पाबंदी है, थोड़ा पढ़ा देता हूँ मैं मेरी नजर में। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है सर, एक और क्वेश्चन करो, इम्पोर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन ही वाला, कंसेप्ट अच्छा है। क्वेश्चन आपको कहता है वीट इज टू बी ग्रोन इन द फील्ड, वीट इज टू बी ग्रोन इन द फील्ड हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 27%। आपको बोला गया था परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट इज 13, पीडब्ल्यूपी इज 13%। आगे आपको कह रहा है फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी इन, फाइंड स्टोरेज कैपेसिटी इन 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल। डेप्थ ऑफ द सॉइल आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर का, तो आपको निकालना क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी निकालना क्या है आपको? स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू अगेन, इफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज, इफ गामा डी इज इक्वल टू 1.5 जी पर सीसी, इफ इरिगेशन वाटर इज टू बी सप्लाइड व्हेन एवरेज सॉइल मॉइस्चर फॉल्स टू, सॉइल मॉइस्चर कितना जा रहा है? Soil moisture falls to 18%. अगर आपका soil moisture 18% चले जाता है, तो water depth कितनी चाहिएगी? तो आपको DW कितना चाहिएगा? दो चीजें निकालना है। पहली चीज आपकी ये हुई, दूसरी चीज आपकी ये हुई। यहां तक आपका पहला केस जा रहा है। So what should I do here? I know one formula that is known to be as FC into my gamma D into my T upon my gamma W. That is equal to DW. That is one formula I know that. और लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो आप लोगों को पता है, यहां से पहले आपको निकालना है कि मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ यू कैन से दैट कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? यू कैन से दैट दैट इज इक्वल टू अवेलेबल मॉइस्चर, कितना पानी अवेलेबल है मेरे पास, अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर इज द स्टोरेज कैपेसिटी। सो आई कैन राइट वन फॉर्मूला फ्रॉम हियर, दैट इज गामा डी इंटू में डी इंटू में FC में से PWT हटा देता हूं। अभी परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट हटा दूंगा, जो पानी अवेलेबल है उसी के करस्पॉन्डिंग डेप्थ निकालूंगा ना, डेप्थ तो उसी के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा, वही तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी मुझे बताएगा कितना पानी स्टोर हो रहा है। समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को आप लोग? स्टोर कितना पानी हो रहा है फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच का पानी स्टोर होता है। मैंने वो कर दिया, गामा डी 1.6 था, डी का वैल्यू 0.8 था, field capacity is given to me as 0.27, that is 0.13 upon me 1. When I will be going to solve it, I will get the answer. Now second part says to me that, second part मुझे निकालना है यहाँ से कि अगर आपका जो moisture content है वो 18 चला गया, DW is equal to me, direct value 1.6 into 0.8 into me, field capacity कितनी है? That is 0.27, minus में कितना moisture जा रहा था question में? 18%. माइनस कर दे, तो एक्स्ट्रा पानी मैंने इतना ही दिया अपॉन 1. व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट आंसर, दैट इज द कांसेप्ट, गॉट इट? चलो अब इसके बाद एक छोटी सी चीज आती है मेरे पास, वो भी इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। तो अब आते हैं सॉल्ट कंसेंट्रेशन, एक मिनट का पेशेंस करो, तो पानी भी गया हो गया, एक मिनट का पेशेंस करना, पानी भी गया रहा। और आप लोग क्वेश्चन को देखना चाहो तो देख सकते हो, इतने मैं आया।
है। चलिए, नो, वी नीड टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज नोन टू बी एज द स्टैंडर्ड्स ऑफ इरिगेशन वाटर। देर आर वेरियस स्टैंडर्ड्स लाइक इंप्योरिटीज कितना होना चाहिए, सॉल्ट कितना होना चाहिए, टॉक्सिन एलिमेंट्स कितने कितने क्या क्या चल सकते हैं, आयंस कितने होने चाहिए, बैक्टीरिया कितना होना चाहिए, बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी डिस्कस करनी है, जैसे कि क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट कि पहला मेरे पास आता है दैट इज द सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। नाउ व्हाट इज द सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, आई विल से दैट कि वी हैव द लिमिट्स ओवर द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर, वी हैव लिमिट्स ओवर इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द इरिगेटेड वाटर, प्रेजेंट इन इरिगेटेड वाटर। इरिगेटेड वाटर में कितना कितना इंप्योरिटीज प्रेजेंट होना चाहिए उसके ऊपर हमारे पास कुछ लिमिट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि भैया क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कोर्स ग्रेन सॉइल है, अगर आपके पास कोर्स ग्रेन सॉइल है और उसमें आप फाइन ग्रेन सॉइल मिला देते हो तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। कैसे देखते हैं, पहले लिख लेते हैं फाइन सॉइल कंटेंट इन, फाइन सॉइल कंटेंट इन कोर्स सॉइल, इन कोर्स सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अभी कैसे, जब बहुत कोर्स सॉइल होती है तो जाहिर सी बात है कि कैपिलरी बिल्कुल खत्म है, तो फर्टिलिटी कैपिलरी के भी प्रोपोर्शनल चलती है, तो कैपिलैरिटी को बढ़ाने के लिए फाइन सॉइल अगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यही इसका रीजन आता है। छोटा सा पॉइंट और लिखना चाहते हैं यहां से कि ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मुझे क्या कहते हैं कि सेडिमेंट फ्रॉम द इरोडेड सॉइल, सेडिमेंट फ्रॉम इरोडेड सॉइल रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्यों भाई, ऐसा क्या होता है इसमें, मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा इसका कि जो भी आपकी इरोडेड सॉइल होती है उसके जो सेडिमेंट होते हैं, एरोडेड सॉइल के सेडिमेंट एक जगह आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो एक जगह डिपॉजिट होने की वजह से बहुत बल्कनेस आ जाती है, वेट भी ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण वहां की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहां की मिट्टी में उपजाऊपन नहीं आ पाता। ठीक है, तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा वेट के कारण मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो सेडिमेंट फ्रॉम द एरोडेड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये चीज याद रखना है। इसके बाद मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सेकेंड आता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. कि जनरली होता क्या है, आपको पता है आपकी मिट्टी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम मिलते हैं, तो आई विल से दैट कि कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम इफ एक्सीड्स द लिमिट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इफ एक्सीड्स द लिमिट रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर ये अपनी लिमिट को बढ़ा देते हैं, अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, आई विल से वन थिंग टू यू कि जनरली सोडियम इज बीइंग एनालाइज्ड बिकॉज इट हैज सोडियम इज एनालाइज्ड बिकॉज इट हैज हैजार्डस इफेक्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा जो हैजार्डस इफेक्ट होता है वो हम सोडियम के लिए देखते हैं, तो सोडियम सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए हम सोडियम को ज्यादा एनालाइज करते हैं। So there is a term which is used to find the sodium concentration. There is a term. So us term ka hume use karna padta hai. That is known to be as the sodium absorption ratio. Sodium absorption ratio ka hum log use karte hain yahan par. To abhi ek cheez aap logo ko yaad rakhni hai ki ye sodium absorption ratio actually main aapko batati kya hai. It tells me about the hazard of the sodium. Ye hota kya dekh lete hain. सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हम लोग सार कहते हैं, तो सार मुझे बताता क्या है, इट टेल्स अस अबाउट हैजार्डनेस ऑफ द सोडियम, हैजार्डनेस ऑफ सोडियम, सोडियम की हैजार्डनेस के बारे में ये मुझे बताता है। नाउ व्हाट इज सार हियर, सार का फॉर्मूला आपको याद रखने की सोडियम आयन कंसेंट्रेशन अपॉन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन का मीन और उसका रूट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सार।
सार से रिलेटेड मैं आपको कुछ डाटा लिखवाना चाहूंगा जो कि आपको रटना है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, टोटली रट्टा मारो, जिंदाबाद का खेल है और रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है कि सार का क्या डाटा चलता है तुम्हें यहां से, कि अगर आपकी सार की वैल्यू 0 से 10 के बीच है, अगर आपके सार की वैल्यू 10 से 18 के बीच है, अगर आपके सार की वैल्यू 18 से 26 के बीच है, अगर आपके सार की वैल्यू 26 से बड़ी है, ठीक है एक्स, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको मैं कहता हूं लो सोडियम वाटर, इसको मैं कहता हूं लो सोडियम वाटर, इट वॉन्ट बी हैजार्डस, बहुत ज्यादा हैजार्ड नहीं करता। इट इज सेड टू बी एज द मीडियम सोडियम वाटर, इट इज सेड टू बी एज द हाई सोडियम वाटर, एंड इट इज सेड टू बी एज वेरी हाई सोडियम वाटर। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खाली सोडियम को ही नहीं, और भी मतलब सोडियम हैज द मैक्सिमम हैजार्डस इफेक्ट, सो वी आर जस्ट एनालाइजिंग द सोडियम इन द सेपरेट टर्म्स। सो अभी ये भी हैजार्ड करता है, ये भी दिक्कत करता है, ठीक है। तो बाकी चीजों को हम अलग से नहीं पढ़ रहे, बाकी चीजों को कंबाइंड इफेक्ट में लेकर चलते हैं, तो वो कंबाइंड इफेक्ट जो है एक्चुअली में कितना सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है ये उससे पता लग जाता है। सो आई एम सेइंग दैट कि सॉल्ट का कंसेंट्रेशन इन द वॉटर इज सेड टू बी सेलिनिटी कंसेंट्रेशन। तो अभी हम लोग सेलिनिटी कंसेंट्रेशन को पढ़ रहे हैं, तो सेलिनिटी कंसेंट्रेशन हम लोग निकालते कैसे हैं? सेलिनिटी कंसेंट्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सर, दैट इज नोन टू बी एज द सी डॉट क्यू अपॉन में क्यू माइनस में सी यू माइनस में आर ई। अब ये क्या है जरा उसको डिफाइन करते हैं। सी इज द सॉल्ट, अरे सुबेरे एक लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिखवाया तो फॉर्मूला गलत हो गया, तो दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, अभी फॉर्मूला गलत हो गया जरा सा, उसको भी करेंगे डिस्कस। सॉल्ट कंसेंट्रेशन, जल्दीबाजी में गलत हो गया, सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्यू इज इक्वल टू डिस्चार्ज, क्यू इज इक्वल टू डिस्चार्ज, और सी यू इज द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट इज इट कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, एंड आर ई इज इक्वल्स टू द इफेक्टिव रेनफॉल, आर ई इज इक्वल्स टू द इफेक्टिव रेनफॉल। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम अपना सॉल्ट कंसेंट्रेशन निकालते हैं। अब एक छोटी सी चीज को याद रखना कि तुमको एक चीज तो पता आती है प्यारे दोस्त यहां से कि सॉल्ट कंसेंट्रेशन को जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। नाउ यू कैन से दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्ट कंसेंट्रेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्ट कंसेंट्रेशन। नाउ एवरीबडी नोज दैट, कोई डाउट ही नहीं। तो आई कैन से दैट कि हम सॉल्ट कंसेंट्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को नापते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज, इट इज इजी टू मेजर एक्चुअली। तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को नापते हैं, तो आई विल से दैट कि जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है या सॉल्ट कंसेंट्रेशन किस यूनिट में नापा जाता है, आई विल से दैट कि सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो है लिख लो सेलिनिटी, सेलिनिटी कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम, ठीक है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा नोट करके लिखवा देता हूँ कि अगर आप लोगों का सेलिनिटी कंसेंट्रेशन जो है 2000 से बड़ा आ गया, अगर सेलिनिटी कंसेंट्रेशन 2000 से ज्यादा आ गया तो हम कहेंगे इट विल बी हार्मफुल टू ऑल क्रॉप्स, ये हर तरह की क्रॉप्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो खत्म हो सकती है आपकी क्रॉप्स, ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ आई विल से दैट कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस यूनिट में नापी जाती है? Can anybody tell me? That is mu maho per centimeter, ना? Micro maho per centimeter. इसका यूनिट है ये. That is mu maho per centimeter. इस यूनिट में इसको नापा जाता है. And there are some ten values. आप लोगों को याद रखना है कि भैया अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से कम आता है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से बड़ा आता है, 750 तक चलता है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 750 से 2250 के बीच चलता है, और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2250 से बड़ा आता है, इसको बोला जाता है लो सलाइन वाटर, इसको बोला जाता है लो सलाइन वाटर, इसको बोला जाता है मीडियम सलाइन वाटर, इसको बोला जाता है हाई सलाइन वाटर, इसको बोला जाता है वेरी हाई सलाइन वाटर।
ठीक है, याद रखेंगे एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप एक छोटी सी चीज और लिख लो नोट करके, ये चीज भी काम आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड एट व्हाट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड एट व्हाट टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ये कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस टेम्परेचर पे ही मेजर की जाती है आइडियल परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखें। अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन की टॉक्सिक एलिमेंट्स की प्रेजेंस भी देखी जाती है। तो आई विल से दैट की कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, देखिए टॉक्सिक एलिमेंट्स की मैं बात करना चाहूँ तो देर आर थ्री और फोर टाइप्स ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट्स। लाइक सबसे पहले तो मैं कल तो बोरन की बात, तो बोरन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 ppm, 4 ppm से ज्यादा अगर बोरन चले जाते हैं तो बहुत नुकसान कर देगा, अदरवाइज अदरवाइज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, डिस्ट्रॉयज ऑल क्रॉप्स, ठीक है। अभी सिलेनियम की मैं बात करना चाहूँ, जनरली दो ही मेजर देखे जाते हैं, सिलेनियम तो मतलब आप ये लगा लो कि ये एक के आसपास जा रहा है, मतलब सिलेनियम तो बहुत ही कम, आप ये लगा लो 2 या 1 के आसपास, सिलेनियम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 ppm और 2 ppm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन की बैक्टीरियल कंसेंट्रेशन देख लेते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। इट इज नॉट वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। ये प्रॉब्लम कहां जाहिर करता है, ये प्रॉब्लम आप लोगों की आती है जब आप क्रॉप्स को उगा लेते हैं, क्रॉप्स को उगाने के बाद ये प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो आई विल से दैट कि इट शोज इट्स प्रॉब्लम एज, इट शोज प्रॉब्लम ऑन क्रॉप्स नॉट ऑन सॉइल, ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक बार थम्स अप करना यार, एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। PLM क्या होता है मीनाक्षी, में समझा नहीं, PLM क्या होता है, अरे फुल फॉर्म बोल दो भैया, ऐसे तो EPM, EPM क्या है, फुल फॉर्म बोलिए। क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि सोडियम आपको गिवन है, यहाँ से सोडियम प्लस गिवन है 345 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम आप लोगों को गिवन है 60 मिलीग्राम पर लीटर, उसके बाद मैग्नीशियम गिवन है 18 mg पर, ठीक है, इक्विवेलेंट पर मिलियन। ओ कल करा दो, क्वेश्चन है नहीं अभी, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन, अरे फॉर्मूला ठीक करा रहा था, इस क्वेश्चन के बाद करा देता हूँ, ठीक है। अभी बात आ रही है यहां पर कि आपको निकालना है क्या, फाइंड सार। नाउ आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बात तो ये जो सार है इसके अंदर जो भी कंसेंट्रेशन आता है, सोडियम का कंसेंट्रेशन, ये इसका कंसेंट्रेशन, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ऑल द कंसेंट्रेशन शुड बी, ऑल कंसेंट्रेशन शुड बी इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, All the concentration should be in milli equivalent per liter. यही कह रहे थे क्या? यही कह रहे थे क्या? चलो। अभी बात आती है कि how will you going to convert it in? I will say that sodium की मैं बात करना चाहूँ तो how will you going to convert this? कितनी बार करोगे वैसे? Given mass upon molecular mass is equal to milli equivalent. I have already told it to you. Given mass upon molecular mass is milli equivalent. When I will be going to solve it, I will get answer. Calcium, that is 60 upon me. Molecular mass of the calcium is, I think so, 20. When you are going to solve it for magnesium, so 18 upon me what? Magnesium ka kitna hota hai? 12. Laga do. ओके अभी और डिटेल में कराऊंगी मीनाक्षी आपको कि ये 12 क्यों लिखा मैंने, ये 20 क्यों लिखा, ये 23 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए सोडियम के ऊपर चार्ज एक है, तो
तो इसलिए 23/1 40/2 होता है, टोटल मास 40 होता है ना, 40/2 इसका होता है 24, 24/2, तो इसलिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वी विल गेट द वैल्यू, वैल्यू आ रही है 15 3 1/2, 15 3 1/2, तो वो लिखी हुई है, मैंने वहां से देख के लिख दी। अभी सार की वैल्यू निकालनी थी, तो सार का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, 15/3 + 1/2 का रूट, व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट द सार एज 10, आई विल गेट द सार एज 10। अभी शुरू में सुबह वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, y अपॉन में f log of q अपॉन में q माइनस में f, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ फॉर्मूला? हाँ, तो वो फॉर्मूला मैंने एक्चुअली में सुबह गलत लिख दिया था, ये log मैंने पहले लगा दिया था, आई थिंक log मैंने पहले लगा दिया था ना, तो वो बाद में कर लेना, बस यही था, बाकी सब वही है, आगे लगा दिया था लॉग, तो वो गलती से लग गया था, लॉग यहाँ आएगा। मुझे एक बच्चे ने बताया फॉर्मूला गलत लिख दिया आपने, तो मैंने ठीक करा दिया, 2.303 log 10, क्लियर है, बस यही कराना था। सो चले क्या, चलते हैं, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं, कल तो छुट्टी है, कल 1 बजे दिन में मिलते हैं, कल तो छुट्टी है, 1 बजे आइए आप लोग दिन में, सो मिलते हैं कल 1 बजे। वन लाइनर चल रहे हैं, मेरी ख्याल में आप लोगों को आना चाहिए, बहुत सही है, वन लाइनर सीरीज कोई छोटी सीरीज नहीं है, आपके लिए बहुत काम आएगी, इसलिए आप लोग 1 बजे आ सकते हैं। सो अभी के लिए सॉरी, तो उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से उसके नोट्स भी बनाए होंगे और एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को बताओ, क्योंकि फ्री एजुकेशन हमारे देश में कम ही मिल रही है, तो मैं फ्री दे रहा हूँ, तो आप लोग भी उसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करना पसंद आए तो। प्लस आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो ना, मेरी गाइडेंस में ऐसे ही कंटेंट को लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये मेरा कोड है NGLIFE, सर इसको अप्लाई करो, डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाओगे, 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है आप लोगों को, तो ध्यान रखना NGLIFE इज माई कोड। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग मी, जय हिंद जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, इसी तरीके से नॉलेज गेन करते रहो और देश का भला करते रहो। ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लो, वहां मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विंग इंजीनियरिंग का लेक्चर चल रहा है आप लोगों के लिए, टोटली फ्री है, वो भी इसी तरीके का कंटेंट है पूरा, IAS तक को प्रिपेयर करवाया जा रहा है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले सर्विंग इंजीनियरिंग भी करा चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा होगा, तो वहाँ जाकर आप सारे लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बनने के लिए, बाय।